राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बैंगन के कलौंजी बनाने। देखिए क्या क्या सामग्री लिए हैं, मेरे बैंगन की कलौंजी कैसी बनती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बना के ज़रूर खाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए यही वाला हींग हम डालेंगे इसमें। ये रहा मेरा बैंगन, इसमें हमने अचारी मसाला है ये। अगर ये मसाला जानने की कोशिश करेंगे तो कमेंट में बताइएगा तो मैं डाल दूँगी। ये देखिए हरा मिर्च हमने ले रखी है, इसको चल रहे हैं सिलबट्टे में बांटने। दो इसको सिलबट्टे पर बांटेंगे हम। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये अचार हरा मिर्च डालेंगे बाद में। डाल दिया हमने सारा हरा मिर्च, दो ठीक लिया था जो, उसको भी इसी में पीस लेंगे बढ़िया से। मिक्सर में इतना अच्छा से नहीं पीसता है। अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी वाला और सारा मसाला। ये इसको हमने पहले ही बना के रख लिया था दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच के लमसम डालना है। अब इसको हमको अच्छा से मिला लेना है। अब इसमें हमको डालना है थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच, क्योंकि हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। बैंगन बादी होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए इसमें हींग जरूर डालना चाहिए कलौंजी बनाते समय। देखिए मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चल रहे हैं बैंगन में जो चीरा लगाए थे। देखिए ऐसे चीरा लगा लें, बहुत ज़्यादा नहीं काटना, बहुत कम मसाला भरते बने। ये देखिए ऐसे हमने पहले से काट के रखा था। अब गैस की तरफ गैस जला लेंगे। अब इस पर हमने रख दी कढ़ाई, जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है देख लें। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल कम तेल डालेंगे, क्योंकि बैंगन में वैसे भी पानी छूटता है। अब इसको कढ़ाई को ऐसे ऐसे घुमा लेंगे हम, जो कि तेल चारों तरफ फैल चुके। अब हम भरेंगे कलौंजी। देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो बाहर निकल आएगा। लिमिट में ही डालें इसको। देखिए ऐसे भर लेना है उंगली की सहायता से। देखिए मेरे एक भर गई। हमने 4 बैगन भर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है। सीधे में डालना है, उल्टा नहीं डालना है, नहीं तो निकल जाएगा। देखिए ऊपर जो चूड़ा लगाया हमने बैगन का, उधर ऊपर ही रखना है। देखिए हमने डाले 4 बैगन। अब इसमें ऐसे करके हमने सारे बैगन डाल देना। दिया नहीं जलाया क्या भगवान को? किनारे किनारे से लगा के अच्छा से। अब इसको कवर कर देंगे, कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए मेरे बैगन बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम कांटे वाले चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पलटेंगे। देखिए ये मेरी कलौंजी बिल्कुल बन के परफेक्ट हो गई है। अब किसको किसको खाना है वो आ जाए कमेंट में करके बताए कैसी बने हैं। देखिए रोटी के साथ खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, जैसे भी आप खा सकते हैं।